Good morning everyone, it's your Layman Photographer Amit and I must say कि हफ्ते में एक बार आपसे नहीं मिलता हूँ तो मेरा दिन ठीक नहीं जाता है। अब ये मेरी एक आदत सी बन चुकी है कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊँ और आपके सामने लेके आऊँ ताकि आप लोग मेरे वीडियो से कुछ सीख भी सकें, अगर सीख ना भी सकें तो एटलीस्ट मेरे शहर के बारे में आप जान सकें। तो आज मैं आ गया हूँ मॉनसून के टाइम पे हिराकुद डैम के पास, मेरा जो डेली रहता है, जहाँ पर जाना मैं पसंद करता हूँ हमेशा। मॉनसून के टाइम पे मैंने आपको दिखाया नहीं ये जगह कैसा दिखता है, वैसे आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है। एक और बात बताता हूँ, लैंडस्केप्स तो मैं हमेशा करता ही हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बर्ड फोटोग्राफी मेरे लिए नया है, लेकिन मैं इसको एन्जॉय बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और मैं हमेशा सोच में रहता हूँ कि यार कहीं चलो नया लोकेशन चलते हैं, क्योंकि नए नए बर्ड्स ढूंढने में भी मज़ा आ रहा है और उनके एक्टिविटीज़ और नए नए सुंदर सुंदर बर्ड्स देखने में मज़ा लग रहा है। तो आज फिर से आ गया हूँ मैं यहीं पर, लेकिन इस बार लैंडस्केप करने नहीं, इस बार बर्ड फोटोग्राफी करने। और यहाँ पर आते ही काफ़ी हलचल लग रहा है, काफ़ी आवाज़ें लग रही हैं, लेकिन मैं अभी जो हूँ ये डाइक रोड पर हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा सर्विस रोड पर, मतलब ये पीछे वाले रास्ते पर जाऊँगा। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमें एक्टिविटीज़ मिलते हैं। वैसे तो आते आते ही मैंने एक ब्लैक काइट को फ़िशिंग करते हुए देखा जो कि मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि तब तक मैं कैमरा निकाल नहीं पाया, लेकिन वो देख के नज़ारा अच्छा लगा। एक अंदर से पानी पे आके एक ब्लैक काइट एक मछली पकड़ के गया। चलो होप करते हैं कि आज का सेशन वैसा ही रहे, कुछ ना कुछ नया चीज़ें तो देखने को मिले, क्योंकि इसके साथ मैं भी सीख रहा हूँ और जो नए नए फोटोग्राफर्स हैं जो बर्डिंग्स करना चाहते हैं वो भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैं बताऊँगा कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ बर्ड फोटोग्राफी में, हाँ लैंडस्केप में कह सकते हैं, लेकिन सीखने में अच्छा भी लग रहा है। और देखिए उम्र कोई नहीं होती सीखने के लिए, और अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए फ़िलहाल बर्ड फोटोग्राफी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैं एन्जॉय कर रहा हूँ और लाइफ में बहुत ही कम चीज़ होता है जिसको मैं एन्जॉय करता हूँ, और बर्ड फोटोग्राफी उसमें से एक है। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए। अपने फ़ोटोग्राफ़ी की शुरुआत के कुछ मिनटों बाद हमने वहाँ के आसपास के जंगल के अंदर कुछ खोजबीन किए और एक्टिविटीज़ तो बहुत सारे मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई पकड़ पे नहीं आए। जो हमारा पहला शॉट था वो मिला हमें एक इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर का, जो कि एक ड्रैगन फ्लाई को पकड़े हुए था, जो काफ़ी सुंदर लगा, लेकिन उसके वीडियो हम ले नहीं पाए, बस एक फ़ोटो ही ले पाए। पैराडाइज फ्लाईकैचर को कैप्चर करने के बाद हम लोगों ने तुरंत देखा कि एक किंगफिशर काफ़ी एक्टिविटी दिखा रहा था, लेकिन दिक्कत ये था हम लोग बहुत दूर खड़े थे और वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रह रहा था। लेकिन जब उसने एक सूखे पेड़ की डाली पे बैठा, वो सिलुएट वाला नज़ारा देखने लायक था। किंगफिशर के फ़ोटो उठाने के बाद हम अपने रास्ते पे जा ही रहे थे तो हम लोगों ने देखा कुछ घोड़ों को। अगर आप लोगों ने मेरा 46 वाला व्लॉग का वीडियो देखा होगा, एंड पे मैंने आपको कुछ घोड़ों के वीडियो दिखाए थे और मैंने कहा था कि अगर कभी मौका मिला तो मैं इनकी फ़ोटोज़ ज़रूर लूँगा, और शायद वो मौका आज था। वो अपने घास चर रहे थे और मुझे एक अच्छा मौका मिल गया उनके भी फ़ोटोज़ लेने का, जो कि काफ़ी सुंदर आया। बहुत टाइम बहुत सारे बर्ड्स ढूंढने के बाद, वैसे तो रास्ते में बहुत सारे बर्ड्स मिले हैं लेकिन कोई भी एक जगह बैठ नहीं पाए, तो मैं वीडियोस भी नहीं ले पाया, फ़ोटोज़ भी ले नहीं पाया, और उसके बाद बारिश हो गया। तो आई थिंक 2-2.5 घंटे बाद हम एक रैप्टर को ढूंढ पाए। शायद मुझे लग रहा था ब्लैक काइट होगा, लेकिन बाद में पता चला कि सरपेंट, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल है। और अभी उनको ढूंढते ढूंढते मैं पहुँच गया एक पेड़ के पास जहाँ पर बहुत सारे बैठे हुए हैं। हालांकि मैं जहाँ पर हूँ बहुत दूर पे हूँ, तो उतना क्लोज़अप मुझे मिल नहीं पा रहा है, और ये मुझे एक्चुअल भी पता नहीं पर चल पा रहा है कि क्या है ये, क्योंकि मैं तो बर्ड फोटोग्राफी में बिल्कुल नया हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा सब कुछ जानने में धीरे धीरे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आइदर ये क्रेस्टेड सरपेंट ईगल है या फिर ब्लैक काइट है। ब्लैक काइट तो नहीं लग रहा है क्योंकि उसका फोक टेल होता है, तो यहाँ पर इसका टेल वैसा है नहीं, और सामने भी स्पॉट्स कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जुवेनाइल होगा या फिर क्रेस्टेड होगा, जो भी हो। तो चलो देखते हैं, आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ उसका, उसके बाद इसका फ़ोटो ले लेते हैं। आज का दिन तो अच्छा रहा और काफ़ी सारे बर्ड्स हम लोगों ने देखे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट कह सकता हूँ कि उतनी अच्छी तरह से हम लोग कैप्चर कर नहीं पाए आज, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं बहुत बड़े बड़े और बहुत डीप हैं, तो अगर उनके पास जाओ तो निकल लेते थे। और यहाँ पर गाड़ी हमेशा चल रहा है, तो इसके लिए वो लोगों को परेशानी होता है, इसलिए उनको कैप्चर करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। हम लोगों ने इंडियन पैराडाइज़ फ्लाईकैचर देखा, और हाँ, जो मैंने आपको तब बताया था कि क्रेस्टेड सरपेंट ईगल है, वो एक्चुअली ब्लैक काइट है, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया हूँ कि मैं न्यू हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन हाँ, मैंने देखा और कुछ लोगों से फिर पूछा उसके बारे में, तो माय गेस वाज राइट कि वो ब्लैक ईगल ही था, और ये आई मीन ब्लैक काइट था। और उसके साथ हम लोगों ने मालाबार पाइड हॉर्नबिल या फिर ओरिएंटल हॉर्नबिल भी हो सकता है, मैं श्योर हूँ कि इंडियन ग्रे हॉर्नबिल तो बिल्कुल भी नहीं था। उसको भी कैप्चर करने के लिए बहुत टाइम हम लोगों ने वेस्ट कर दिया, लेकिन वो दिखा ही नहीं। और इंडियन रोलर, किंगफिशर, ये सब दिख रहे ही थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि आज कुछ नया करेंगे, कुछ नया कैप्चर करेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके चलते फिर बारिश भी हो गया और आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो फ़ोटो शायद मिले या ना मिले, हाँ, लेकिन नॉलेज तो बढ़ ही रहा है कि कौन सा, जैसे कि बताया मैंने आपको, सरपेंट ईगल और ब्लैक काइट के बीच आज डिफरेंस मुझे पता चला। वैसे धीरे धीरे मेरा नॉलेज, मैं श्योर हूँ, बढ़ता ही जाएगा, भले फ़ोटोज़ मिले ही ना मिले, लेकिन आँखों को दिखे कुछ ना कुछ। तो बताइए आज आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो में आज फोटोग्राफी रिलेटेड कुछ नहीं हुआ, या इन्फॉर्मेशन या कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन का कुछ ज़्यादा वैसा नहीं हुआ, बस एक एक्सपीरियंस के तौर पे ये मैंने एक ब्लॉग बना दिया। जैसा भी रहे ये ब्लॉग, बस आपका प्यार चाहिए, बस आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और बताइए आपको नेक्स्ट ब्लॉग किस सब्जेक्ट या किस कैटेगरी में आपको चाहिए। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके लाइक्स भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।